नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीद और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका और आज मैं मौजूद हूं असंध में करनाल रोड पर इंडसलैंड बैंक पड़ता है और इस बैंक में एक लड़का जो कि गांव जागसी से है और गांव जागसी सोनीपत जिले में पड़ता है, उसका यहां पर अकाउंट चल रहा है जिसका नाम प्रदीप है और प्रदीप के नाम से एक लोन पास हो रखा है। पिछले 2 साल से वो बैंक के लगातार चक्कर काट रहा है लेकिन उस लोन पर गाड़ी कोई और चला रहा है। युवक इतना परेशान है लेकिन लोन मैनेजर जो है इसका कोई हल नहीं कर रहा है और अभी यहाँ पर आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं 112 डायल गाड़ी भी आज प्रदीप ने बुला ली और जो दूसरी पार्टी है वो भी आज यहाँ पर मौजूद है। तो मैं उससे भाई से मिला, उसके पिताजी से मिला कि भाई अंकल जी ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे मतलब सी बोलने से हो रही है आपकी गाड़ी। तो उन्होंने कहा भाई हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई गलती किया तो मैनेजर ने मतलब जिसने गाड़ी लोन किया उसने की है। तो मैं यहाँ उनसे मिला जिसने गाड़ी लोन की थी, वो उससे मिला तो आके उन्होंने बताया कि भाई हमारे तो बस का नहीं है काम, मतलब कुछ भी हो रहा है तो हमारा बस का नहीं है, जो कार्रवाई करनी है तू कर ले। मैं ठीक है जी, तो इन्हें होगा हाँ कराया तो इन्हें ना जी, और मन में कराया है मेरे को तो पता भी नहीं सर। क्या सूचना मिली जनाब, एक बार बताइएगा। क्या सर अंदर नहीं जा पाएंगे, हमारे पास तो केस आया जी, भाई वहाँ जाओ। क्या सूचना मिली है भाई, इन्हें फोन किया जी। पीड़ित ने क्या बताया आपको? ये भाई कोई गाड़ी गुड्डी के बारे में बता दी, डॉक्यूमेंट्स इसके लगे हुए हैं। तो सर मेरे से हो रहे हैं, मतलब ऊपर गाड़ी मेरे से हो रहे हैं। अंदर पता करें जी, कौन से गांव से? सर मैं प्रदीप नाम है मेरा, जागसी गांव से हूँ। जो आपके नाम से लोन चल रहा है कितने टाइम से चल रहा है? सर मैडम ये मेरे को तो बाद में पता चला था, 2020 में 2019 से केस चला हुआ है। तो उसके बाद आप बैंक में आए 2020 में? हाँ जी मैडम जी, बैंक में मैं एक बार नहीं मतलब 3-4 बार आया, ऊपर मतलब जो गार्ड है उसको भी पता है, उसने भी मेरे को अभी बोला देखते ही कि भाई तू तो पहले भी आ चुका है, भाई 1.5-2 साल पहले आया था मैं। तो क्या लोन आपने गाड़ी खरीदी थी? नहीं सर मेरे को पता ही नहीं सर, गाड़ी किसने खरीदी, कब खरीदी, किसने दिया किसने नहीं दी। आप कह रहे हो कि गाड़ी मेरे नाम है जो लोन, मेरे को तो बाद में पता चला था, मैं केसीसी करवाने के लिए मेरे गांव के बैंक में गया था SBI में, उन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हारे नाम से कोई गाड़ी लोन है। भाई कौन सा बैंक है ये? सर ये तो इंडस बैंक है असंध ब्रांच। मैनेजर से बात हुई थी? मैनेजर से बात की सर, जिसने गाड़ी लोन दी की थी उस टाइम पे वो सेल्समैन था भी, तो 3 ब्रांचों का मतलब मैनेजर हो सपीदो संध गोहाना। हाँ जी विकास बुरा नाम उनका। क्या कोई हल नहीं कर रहे? नहीं सर मैडम कोई हल नहीं कर रहे, मैंने पहले ये कंप्लेन की थी हमारे चौकी में बड़ौदा थाना में, तो उन्होंने मेरे रफ पेज पे साइन करवा के भाई तुम्हारा केस तो असंध जाएगा, उन्होंने बाद में पता चला मेरे को भैया असंध जा लिया तेरा केस। असंध में मैं कई बार आ चुका हूँ, जिसके पास मेरा केस है उससे कई बार बात कर चुका हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं मेरा। हाँ जी यहाँ दोनों पार्टी आई हुई है, नहीं सर कोई रास्ता नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा बैंक, तो क्या पुलिस वाले भी नहीं दे रहे। मैडम उन्होंने कहा मैं तो छुट्टी पे हूँ, मैं सपीदो हूँ, मैं आ नहीं सकता, ये वो बोल रहे। हाँ जी मैडम जी गुमराह से आप यहाँ बैंक के चक्कर काट रहे? मेरे को तो 2 साल हो लिया। 2 साल? हाँ जी। कितने आदमियों को लेकर के आज आप यहाँ? अब तो सर मेरे गांव के मेरे चाचे ताऊ जो भी है मतलब पूरा घर कुन बाहर है जी। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें असंध से, इंडसलैंड बैंक से, करनाल रोड से और इस बैंक से। प्रदीप जो है जागसी गांव का युवक है, इसके नाम से पिछले 2 साल से जो लोन है वो चल रहा है लेकिन लोन मैनेजर के द्वारा कोई भी इसको हल नहीं दिया जा रहा है और अभी यहाँ पर 112 डायल गाड़ी को पुलिस को बुलाया गया है कॉल करके और अभी यहाँ पर पुलिस पहुंची है। देखते हैं कि जो 2 साल से पिछले 2 साल से जो मामला चल रहा है क्या इसका कोई हल होता है या नहीं होता है, या इसी तरीके से जो प्रदीप है उसको बैंक के चक्कर लगातार काटने पड़ेंगे। पिछले 2 साल से जैसे कि प्रदीप ने बताया कि 2019 से ये जो लोन है ये पास हो रखा था लेकिन इसको 2020 में इस बारे में पता चलता है, जब केसीसी कराने के लिए जाता है तो तब इसको पता चलता है कि 2020 में इसको पता चलता है कि इसके नाम से एक लोन पास हो रखा है और किसी ने गाड़ी निकलवा रखी है, उस युवक को ये जानता भी नहीं है जिसने ये गाड़ी निकलवा रखी है। जागसी गांव से है ये मेरा भाई है, मेरा काका चाचा का लड़का। प्रदीप आपके चाचा गाड़ी का मामला ले रहे हैं? अच्छा गाड़ी आपके नाम, इनसे बात कर। गाड़ी इसका भांजा ले रहा है। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा सुबनी नाम है, मेरा भांजा का प्रदीप नाम है। कहाँ से आप? मुआना से। और मेरा भांजा है जागसी से, ओकड़ी सिब्बल उठ रहा है, कागज मारे लग रहे हैं, ओरिजिनल कागज है, सारा सौदा ओरिजिनल लग रहा है।
किश्तांबर लग रहे हैं, आप चेक कर सको। डॉक्यूमेंट तो ये कह रहे, एक मिनट डॉक्यूमेंट तो कह रहे हैं, वो प्रदीप लड़का कह रहा था डॉक्यूमेंट सारे मेरे हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड आप चेक कर लो इसमें धरे हैं। इन एसपी का भी दरखास्त दे दी, भी कागज लेके गया था यू, यहाँ भी कागज रखे हैं इंडसइंड बैंक में, किश्तांबर लग रहे, चेक कर लो जी, कहने से पूछो। अभी समाधान क्या चाहते हो इसका? समाधान तो सिबल खराब हो रहा है, सिबल तो ऊपर जाकर नहीं, आप डॉक्यूमेंट ये देंगे या खराब है ऊपर से सिबल खराब इस भाई का, प्रदीप का नाम राशि उठी कोई आधार कार्ड। एक बात तो मानो आप, किस्त आपने नहीं भरी, भरने लग रहे नहीं, जब रुकी होगी किस्त, जब इसके पास इसके पास है ना, फोन मैसेज आते हैं कि है ना वो सिबल मतलब कुछ चेंज हो रहा है, आधार कार्ड फोन नंबर कुछ ऑनलाइन तो उठ रहा है, कोई चक्कर सिबल खराब होने का मतलब है कि आप टाइम से किस्त नहीं भरते हैं और किस्त पास कॉल आते हैं। किस्त हमारी एक किस्त रुकी थी, वह किस्त भरी हमने, उसके कारण इसका भी सिबल डाउन हो गया और मारा डाउन हो गया, लेकिन हमने कहा कि तो कोई लगा ही नहीं रखा किसी का। करिए बेटा जी, तो क्या जवाब मिला आपको? कोई हल वो नहीं बोला सिबल ही उठ रहा है, ये अपने आप उधर से ही ठीक होगा, हमने गलत नहीं कर रखा है। और बेटा हम किस्त भरने लग रहे हैं, जो किस्त ड्यू हो रही होगी उसका जुर्माना भी हमने भरना बेटा, वही भी भर रहे हैं, हम जागसी से हैं बेटा। आपको कितने टाइम बाद पता चला था इस बारे में? जैसे उसको एक साल बाद पता चला कि हमारे नाम से लोन हो रखा है, उस टाइम पता चल गया था बेटे को। बेटा मैंने बेटे से बात करी और जिसने दिलवाई थी गाड़ी उनसे बात करी थी, तो वो बोले बिला ये अपने आप वहीं से सुलझ जाएगा, किसी ने नोट जान रखा है ना, बैंक की गलती है ना इसमें, हमारी गलती है। अभी प्रदीप दिक्कत है कहीं ना कहीं, दिक्कत मैं दोनों के पक्ष में हूँ बेटा, इनका काम सुलझना चाहिए। आपका बेटा तो गाड़ी चलाता है ना? हाँ मेरा बेटा गाड़ी ले रहा है, ये भी मेरा ही बेटा है, मतलब इनका समाधान चाहूं दोनों का। एक बात तो मानो ना, गाड़ी कोई और चलाए, बिल किसी नाम है, लोन किसी के नाम है, ये चीजें तो जिसके नाम है बेटा वही भर रहा है, और जो ड्यू हो रहा है वो उसी ने भरना है। आपने शिकायत करी है जैसे भी अब लोन दूसरे के नाम नहीं बेटा, हमने इसके साथ हम तो भाई तू जाम हमारे को ले चलेगा वही चलेंगे। इतना बड़ा घोटाला असंध के इंडसइंड बैंक में, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें करनाल रोड से, असंध इंडसइंड बैंक से, और पिछले दो साल से घोटाला चल रहा है। प्रदीप नाम है इस युवक का, जो कि गांव जागसी से है, गांव जागसी गोहाना के पास पड़ता है और सोनीपत जिले में ये गांव आता है। और मैं आपको बता देना चाहूंगी 2019 में ये लोन पास हुआ, लेकिन प्रदीप को इसके बारे में 2020 में खबर लगी कि उसके नाम से एक लोन पास हो रखा है, लेकिन गाड़ी कोई और चला रहा है। दूसरे जो युवक है जो गाड़ी चला रहा है उसका नाम भी प्रदीप है, और लोन मैनेजर से जब बात करी तो लोन मैनेजर ने अभी तक दो साल से इसका कोई भी हल नहीं निकाला है। और आज अपने गांव के अपने परिवार के सदस्यों को लेकर प्रदीप यहां पर पहुंचा है, तो जो लोन मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि आज मैं छुट्टी पर हूं और उन्होंने यहां पर आने से मना कर दिया। अभी 112 डायल गाड़ी को कॉल करके पुलिस को यहां पर बुलाया गया है, तो देखते हैं कि क्या समाधान इस समस्या का निकलता है। बात वही हो गई कि लोन किसी और के नाम पे और गाड़ी जो गाड़ी है वो कोई और चला रहा है, जब किस्तें नहीं भरी जाती हैं तो प्रदीप के पास कॉल आती हैं और इसका जो सिबल है वो किसी और की वजह से लगातार खराब होता जा रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग भी सतर्क रहें, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जागो ग्राहक जागो, सबको सतर्क होने की जरूरत है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखें, और बैंक में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत जाकर मैनेजर से मिलें, और अगर नहीं आपका समाधान होता तो पुलिस को जानकारी इसके बारे में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और देखते रहें सिटी न्यूज सफीद और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलूंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।